हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बियरिंग फेलियर होने के 7 रीज़न के बारे में जानेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में मैं एक सवाल पूछूँगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। दोस्तों, तो जो पहला रीज़न होता है दोस्तों बेयरिंग फेलियर होने का, वो है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। आपको इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं आना, जो बेयरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं उसको बेयरिंग का इंस्टॉलेशन सही तरीके से आना चाहिए। दोस्तों, बेयरिंग इंस्टॉल करने के लिए बेयरिंग हीटर आता है, उसी बेयरिंग हीटर में बेयरिंग को हीट करके और पोजीशन में इंस्टॉल किया जाता है। या तो दूसरा प्रोसेस है जिससे कि बार से हैमरिंग करके इंस्टॉल किया जाता है, बट इंस्टॉल करते समय किस पोजीशन में हैमरिंग करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सोचिए बेयरिंग को शाफ्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगर आप लोग बेयरिंग को शाफ्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं तब आप लोगों को बेयरिंग के इनर रेस में हैमरिंग करना है, और जब बेयरिंग को आप हॉजिंग में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बेयरिंग के आउटर रेस में हैमरिंग करना है। बेयरिंग को आप हैमर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस सही नहीं है, ऐसे हीटर से ही इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन अगर हैमरिंग करके इंस्टॉल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस पोजीशन में आपको हैमरिंग करना है। जब भी बेयरिंग को शाफ्ट में इंस्टॉल करना है उस समय आपको बेयरिंग के इनर रेस में हैमरिंग करके बेयरिंग को इंस्टॉल करना है, और जब बेयरिंग को हॉजिंग में इंस्टॉल करना है बेयरिंग हॉजिंग में, उस समय आपको बेयरिंग के आउटर रेस में हैमरिंग करके इंस्टॉल करना है। दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। इंस्टॉल करने का तरीका नहीं पता होगा तो भी बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। दोस्तों, बेयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट भी इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है लुब्रिकेशन। अगर जिस इक्विपमेंट में बेयरिंग इंस्टॉल है उस इक्विपमेंट में लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल कम हो जाएगा, सोचिए कोई लीकेज है, ऑयल सील वगैरह डैमेज है, आप लोग मंथली इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तो ऑयल सील का लीकेज का वजह से ऑयल लेवल डाउन हो जाएगा, उससे क्या होगा बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा दोस्तों और डैमेज हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, उसका लुब्रिकेशन टाइमली देखना है कि बेयरिंग लुब्रिकेशन टाइमली हो रहा है कि नहीं। उसका एक फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए कि महीने में एक बार लुब्रिकेट करना है। ऑयल लुब्रिकेट है तो ऑयल का लेवल सही रखना है, ग्रीस लुब्रिकेट है तो टाइमली ग्रीस करना है, कितना ग्रीस करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। ज़्यादा ग्रीस भी नहीं करना है, कौन से कैटेगरी का ग्रीस फिलअप करना है, कौन से कैटेगरी का ऑयल टॉपअप करना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों, तो लुब्रिकेशन आप लोगों को हमेशा ध्यान देना होगा। ऑयल लुब्रिकेशन अगर पंप है तो उस पर लुकिंग ग्लास लगाइए, ऑयल लेवल को देखने के लिए एक ऑयल लेवल का लुकिंग ग्लास लगाया जाता है, वो पंप में इंस्टॉल होना चाहिए, इससे आप लोगों को पंप का लेवल पता चलेगा लुब्रिकेशन का। और ग्रीस लुब्रिकेशन पंप है तो ग्रीसिंग करने का फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए, कब कब आप लोगों को ग्रीसिंग करना है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है बेयरिंग टेम्परेचर। बेयरिंग का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना, जब पंप रनिंग करता है उस समय सोचिए बेयरिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। रीज़न क्या है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया, हो सकता है लेवल लो हो, टाइमली ग्रीसिंग नहीं किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा बेयरिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है वो 82.22 डिग्री तक का ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर जा रहा है, बेयरिंग सीज होने वाला है। 82 डिग्री तक ठीक है, आपका नॉर्मल है, बट अलार्म कंडीशन है, 82 भी नहीं होना चाहिए। 82 से अगर ऊपर जाता है तब बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों, बेयरिंग सीज होने वाला होगा, तो आप लोगों को इंस्पेक्शन करना होगा, ऑयल लेवल चेक करना होगा, लुब्रिकेशन को आप लोगों को देखना पड़ेगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों कंटेमिनेशन। अगर बेयरिंग आप इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया है, कोई डस्ट पार्टिकल बेयरिंग के अंदर चल जाता है तो भी बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। दोस्तों, लुब्रिकेशन अगर आप कर रहे हैं, ग्रीसिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा ग्रीस है,
डस्ट वगैरह ग्रीस में पड़ा हुआ है, आपने ऐसे ही टॉप अप कर दिया, उस पर फिलअप कर दिया, तो भी बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। लुब्रिकेशन ऑयल करते समय भी लुब्रिकेशन ऑयल का कंडीशन देखना है आप लोगों को, क्या कंडीशन है, डस्ट वगैरह तो नहीं है लुब्रिकेशन ऑयल में, उसके बाद ही आप लोगों को लुब्रिकेट करना है दोस्तों। सीधा सा बात है, डस्टी एरिया में बेयरिंग को इंस्टॉल नहीं करना है, बेयरिंग को कवर करके रखना है, जब भी इंस्टॉल करना है क्लीन एरिया में उसको इंस्टॉल करना है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस अलाइनमेंट। अगर पंप और मोटर का अलाइनमेंट सही नहीं है, मिस अलाइनमेंट है, तो भी बेयरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। अलाइनमेंट आप लोगों को आना चाहिए, अलाइनमेंट का वीडियो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाकर उसको फुल वॉच करके अलाइनमेंट भी आप लोग सीख सकते हैं दोस्तों। मिस अलाइनमेंट के ही वजह से बहुत ज़्यादा बेयरिंग भी डैमेज होता है, साथ में बहुत सारा पार्ट्स डैमेज हो जाता है दोस्तों, मैकेनिकल सील, इंपेलर वगैरह घिस जाता है, मिस अलाइनमेंट के वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो अलाइनमेंट आप लोगों को करना आना चाहिए दोस्तों। छठा पॉइंट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के वजह से भी बेयरिंग बहुत ज़्यादा डैमेज होता है दोस्तों, तो वाइब्रेशन आप लोगों को महीने में एक बार वाइब्रेशन मीटर से वाइब्रेशन लेना चाहिए। ज़्यादा वाइब्रेशन है तो क्यों वाइब्रेशन हो रहा है उसका पता करना पड़ेगा, अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा, फाउंडेशन बोल्ट वगैरह आप लोगों को टाइट करना पड़ेगा, और महीने में एक बार आप लोगों को वाइब्रेशन मीटर से वाइब्रेशन ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। सातवां पॉइंट है ओवरलोड। अगर पंप में बहुत ज़्यादा लोड है, ओवरलोड में चल रहा है या ओवर आरपीएम में चल रहा है, हर एक बेयरिंग का एक लोड कैपेसिटी है और आरपीएम का भी कैपेसिटी है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट बट बना दूंगा कि कौन से बेयरिंग का कितना आरपीएम होना चाहिए, कितना लोड होना चाहिए, उस हिसाब से ही उस पर लोड डालना है। अगर हाई लोड में पंप चलेगा तो भी बेयरिंग फेलियर हो जाएगा दोस्तों, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये सात इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, लुब्रिकेशन चेक करना है, बेयरिंग टेम्परेचर चेक करना है, कंटेमिनेशन देखना है, डस्टी एरिया वगैरह तो नहीं है, इंस्टॉलेशन आप लोगों को सही तरीके से आना चाहिए, अलाइनमेंट चेक करना है, वाइब्रेशन महीने में एक बार ज़रूर लेना है, और लोड कैपेसिटी बेयरिंग का आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन से बेयरिंग में कितना ज़्यादा लोड डालना है, उससे ज़्यादा लोड नहीं डालना है दोस्तों। ऑयल लेवल को हमेशा चेक कीजिएगा, ज़्यादातर ऑयल लेवल और लुब्रिकेशन के वजह से ही बेयरिंग डैमेज होता है दोस्तों। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है दोस्तों। बेयरिंग का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि कितने तक के अंदर में बेयरिंग का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बेयरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।